हेलो, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इस छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के आधार पर हम बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। यदि इस प्रकार से आप इसको नोट्स बनाते हुए डेली यदि आप देखते हैं और इसको बनाते जाते हैं रफ में, फेयर में, जिससे भी, तो बहुत ही अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, प्रश्नावली 2 से, जो बहुपद से हैं, है ना। प्रश्नावली 2 कि हमारा ये चौथा वीडियो है, ठीक है। तो कल आपने देखा कि लाइट चले जाने की वजह से मैं अधूरा हो गया था, उसी अधूरे को हम कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। निम्नलिखित को जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछते हैं और इस प्रकार से देते हैं कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तो हमको इसको इस प्रकार से सेटिंग करना है कि इसका मान, जो दिया हुआ मान है, इसको हम रखेंगे तो इसका मान यदि 0 आता है तो यह इसका गुणनखंड होता है। जैसे हल यहाँ पर देखते हैं, दिया है। अब क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो, जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और पी एक्स बराबर दिया हुआ है 2x का त्रिघात प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो हम करते क्या हैं, जो जी एक्स का जो मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या 0 लेते हैं और यहाँ से हम एक्स का मान निकालते हैं, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब हमको इसका मान रखना है, जैसे पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 2x का त्रिघात प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो हमने x का मान क्या निकाले, यहाँ पर देखिए x का मान क्या निकाले हैं, माइनस 1। तो इसी x बराबर माइनस 1 को रखने पर, मतलब x का मान माइनस 1 रखने पर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, p माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा है 2 इंटू माइनस 1 है, तो माइनस 1 क्यूब है, तो यहाँ क्यूब रख दीजिए, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, मान रख दिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 का हम 3 बार गुणा करते हैं, 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 एकम 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। चूँकि 0 नहीं आ रहा है, अब 0 नहीं आ रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका गुणनखंड नहीं होगा। जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, इसलिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आपका चौथा नंबर का, ओके। चलिए हमारे पास जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, जी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स माइनस वन दिया हुआ है और पी एक्स का मान दिया है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। यहाँ भी वही करेंगे जैसे हमने पहले किए थे, दिया है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, जिसे हम एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 करके एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। चूँकि पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, पी एक्स का मान दिया है एक्स का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ठीक है। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, एक्स के मान, मतलब एक्स बराबर 1 को रखने पर, कहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स आपको दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ इसको रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 का त्रिघात हो जाएगा, 1 रखेंगे,
प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 1, ये देखिए प्लस 1, यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना जा रहा है 2 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब हमारे पास प्रश्न ये कहता है, बड़ा ध्यान से समझना, निम्नलिखित में जो दिया हुआ है, a का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। यहाँ पे ये बोल दिया है कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड हमने कैसे ज्ञात किया था कि जब किसी मान को रखते हैं इस पे तो उसका मान 0 आता है, उसे हम क्या कहते हैं, इसका गुणनखंड कहा जाता है। तो गुणनखंड कहा जाता है तो हम इसके अकॉर्डिंग 0 लेके चलेंगे, और 0 लेके चलने पर हमको a का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए दिया है जी एक्स बराबर दिया है हमारे पास एक्स प्लस 1, और पी एक्स स्क्वल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2। यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो जी एक्स जो है ना, जी एक्स का मान एक्स प्लस 1 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स का मान निकालने के लिए 0 के बराबर कर देंगे, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अभी एक्स का मान को हमको यहाँ रखना है, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पे देखो, इसके बराबर हमको 0 लेके चलना है, मतलब यहाँ पे देखो पी एक्स, जब पी एक्स का मान 0 आता है, इसका मान रखते हैं तब गुणनखंड होता है। तो सीधी से बात दिया है कि ये गुणनखंड है, तो पी एक्स का मान कितना है देखो, हमारे पास पी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2, 0 का 0 रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, या अब x का मान कितना है देखो, यहाँ रख सकते हैं ना, x बराबर 1 रखने पर, तो जरिए हम रखते हैं x का मान कितना है माइनस 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक का हम दो बार गुना करेंगे तो एक ही आएगा, और माइनस माइनस दो बार गुना हो रहा है मतलब प्लस, तो एक ही हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस ए इक्वल टू 0। अब a बराबर पक्षांतर कर दीजिए 3 को, तो ये माइनस ए हो जाएगा, और इधर ये जाएगा 3 तो प्लस में है, तो ये पक्षांतर करने के बाद चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, मतलब a का मान कितना आया हमारे पास 3 आया, a का मान कितना आया a बराबर 3। तो हमको क्या बोला गया है, a का मान ज्ञात कीजिए, तो उत्तर में लिखेंगे a बराबर 3 होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, आराम से बनाइएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, चल हम इसी प्रकार से हम तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक, चलिए अब हमारे पास जो जी एक्स है, जी एक्स बराबर कितना दिया है देखिए एक्स प्लस 2, और पी एक्स कितना दिया है 2x² प्लस 6x प्लस 8, ये दिया हुआ है। सेम वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 हो जाएगा, या करके एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेना है एक्स का मान निकालने के लिए, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, अब पी एक्स
जो है जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है, तो क्या लेके हम चलेंगे, जीरो। तो पी एक्स का मान कितना दिया है, टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स ए प्लस ए, जीरो का जीरो रहेगा। या एक्स का मान माइनस टू रखने पर, एक्स का या लिख सकते हो एक्स बराबर माइनस टू रखने पर। अब चलिए, या टू इंटू एक्स का मान माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे छः इंटू माइनस टू हो जाएगा और प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दो दूनी चार हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चार दूनी आठ हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस और छः दूनी बारह प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। या अब आठ में बारह घटा सकते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस चार प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। तो ए बराबर पक्षांतर करेंगे यहाँ पर देखिए आ जाएगा चार, उत्तर में लिख सकते हैं आप ए बराबर चार होगा। तो इस प्रकार से इसका मान कितना आया, चार आया। एक वीडियो और बनेगा इसका। स्टूडेंट यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ कमेंट करें यार, कमेंट की बहुत आवश्यक पड़ती है क्योंकि आप कमेंट्स करते हैं सब, हमें वीडियो बनाने का बहुत मन करता है। तो ये अच्छा लगे तो लाइक करें एवं शेयर करना आप न भूलिएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम देते जा रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।